हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं ये मिर्च का पौधा है। ये देखिए, छोटी सी गोल गोल मिर्च लगी ना, लाल वाली, ये इस मिर्च का पौधा है। और ये जो इस पे आप वाइट वाइट देख रहे हैं, ये सब इस पे एंटी फंगल पाउडर का स्प्रे किया हुआ है, वो पड़ा हुआ है। हफ्ते में दो बार हुआ है तो ये ज़रा ज़्यादा ही चिपक गया। खैर, अब तो आज हम मिर्च के बारे में ही बात करेंगे कि इसको कैसे उगाया जाता है, इसके लिए मिट्टी कैसे लेंगे, इसकी क्या देखभाल करनी होगी और इसके इस प्लांट की रिपोर्टिंग भी करेंगे। ठीक है, तो आज तो फ्रेंड्स ये मिर्च के बीज हैं। ये वाले बीज आप मार्केट से भी ले सकते हैं और मैंने तो वैसे घर के जो मिर्च होती है उसी के तोड़ के लेती हूँ बीज। और ये जो मेरा मिर्च का पेड़ है इसमें से भी मैं जो मिर्च भी जैसे ख़राब सी हो गई या ज़्यादा सूख गई है तो मैं उसको तोड़ के उसी गमले में बिखेर देती हूँ तो वो मेरे बीज निकल आते हैं। ठीक है, मिर्च के बीज लगाने में क्या कि ये थोड़ा टाइम लेते हैं उगने में, इनको लगता है करीब 2-3 हफ्ते के लगभग लगता है इनको टाइम। तो इनको आप ऐसी, ये जो मिट्टी है ये वही हमारी वेल ड्रेन सॉइल है, इसमें लेकिन कंपोस्ट थोड़ी सी ज़्यादा मिलाइए। ठीक है, तो आप समझिए 10% कंपोस्ट ज़्यादा मिलाइए, बाकी वही 30% इसमें सैंड है और बाकी की सारी इसमें गार्डन सॉइल है। और बीज को बस ऊपर से ऐसे ऐसे डाल के हल्की सी मिट्टी से वो दबा दीजिए, ऐसे डाल के ये, और इसको ऐसे दबा देंगे। ठीक है, और 3 हफ्ते के लगभग में ये बीज उग आएंगे। जब ये बीज समझिए आप इतने बड़े हो जाएं, 4 इंच के पौधे हो जाएं, 5 इंच के, आपको लगे कि अब ये चेंज हो सकती है इनकी स्पेस, तभी उनको एक जगह से दूसरी जगह करें, अदरवाइज़ ना करें, क्योंकि उससे जल्दी करने में पौधे मर जाएंगे। थोड़ा देर लगे रहेंगे तो पौधे चलते रहेंगे, लेकिन जल्दी आप करेंगे तो पौधे मर सकते हैं। तो मैंने जो मिर्च के बीज तोड़ के गमले में डाले थे उससे जो पौधे उगे हैं मैं आपको वही लगा के दिखा रही हूँ अभी। तो देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी हम पौधा कोई भी निकालेंगे तो उसको मिट्टी के समीत ही निकालेंगे। देखिए, हमने ऐसे निकाला है ना, ये ना, तो ये इस वाले वो जो छोटी मिर्च मेरी है उसी के ही बीज हैं, उसी के पौधे हैं ये, तो मैं इनको लगा रही हूँ। ठीक है, मिर्च जो है, मिर्च का पौधा है, इसको अल्कलाइन मिट्टी चाहिए होती है। तो आप अल्कलाइन मिट्टी कैसे बनाएंगे, आप इसमें डालेंगे राख। ठीक है, तो अब जो सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं वो सोच रहे होंगे अरे क्या बता दिया, राख राख कहाँ से मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। राख आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। क्या होता है कि जो प्रेस वाले होते हैं वो अपनी प्रेस कोयले से चलाते हैं। ठीक है, तो जब आप उनसे कहेंगे वो भी आपको दे देंगे अपनी राख। उनके उनका तो ये समझिए एक तरह से उनका जो उनके लिए जो उसको ठिकाने लगाना सिरदर्दी थी वो उनकी कम हो गई, लेकिन आपका काम ज़रूर बन जाएगा इससे। ठीक है, और एक और है कि आप जहाँ से भी कहीं क्या बोलते हैं जेके जैसे लोकल मार्केट में जो ईटरीज होती हैं उनमें तंदूर लगे होते हैं तो आप उनसे कहेंगे वो भी आपको राख दे देंगे। तो थोड़ी राख आप यहाँ पे ऐसे ऐसे भी घेर दीजिए सब जगह, और थोड़ी पेड़ पे भी डाल दीजिए, तो उससे ये कीड़ों का भी बचाव रहेगा और जो मिट्टी में राख मिलके मिट्टी अल्कलाइन हो जाएगी तो आपकी मिर्च की फसल भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया मिर्च की लगाने का तरीका, मिट्टी और उसमें फर्टिलाइज़र इसमें आप देखिए, ये क्योंकि खाने की चीज़ है तो प्लीज़ 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 DAP वगैरह केमिकल वाली कोई भी इसमें यूरिया वाली कोई भी खाद मत डालिए, आप गोबर की खाद ही डालिए। और आप जो बायोएंजाइम है वो डालिए और घर की बनी हुई जो आपकी खाद है वो डालिए, ये सब इसमें अच्छी चलेगी, है ना, लेकिन केमिकल्स मत डालिए। आप घर में सब्जियां उगा ही इसलिए रहें ताकि आपको बाहर की पॉल्यूटेड चीज़ों से कम से थोड़ी राहत मिल जाए, है ना, तो फिर क्यों केमिकल डालना। तो ये हो गया इसका। बाकी इस पे कभी आपको पत्तियां इसकी आपके मुड़ी हुई दिखती हैं, मैलीबग का या ऐसी चुड़ी मुड़ी मुड़ी सी पत्तियाँ, स्पाइडर माइट का अटैक होता है, तो आप इस पे नीम ऑयल और सोप का ही स्प्रे करिए, केमिकल मत डालिए प्लीज़। ठीक है, अभी आपको मैं आगे वीडियोस में और बताऊंगी कि आपके किचन से ही आप कैसे अच्छे आप घर में बने हुए आप पेस्टिसाइड बना सकते हैं जिनके लिए आपको कहीं भी मार्केट नहीं जाना पड़ेगा और अगर वो चीज़ें आपके डेली यूज़ होती हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया इसको लगाने का तरीका और इसको देखभाल करने का तरीका। और
पेड़ पे जैसे लंबा होता जाएगा तो ऊपर से एक दो बार पिंचिंग कर दीजिए, उससे क्या होगा कि पेड़ घना हो जाएगा, बुशी हो जाएगा। ज़्यादा ब्रांचेस होंगी तो ज़्यादा फूल आएंगे, ज़्यादा फूल आएंगे तो आपके फल भी ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका तरीका। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको रिपॉटिंग कैसे करना है। जो मेरा वो वाला प्लांट है वो थोड़ा पुराना प्लांट है, तो क्या हो गया कि उसमें ना रूट बॉन्डिंग हो गई, रूट्स ऊपर ऊपर आ गई, तो प्लांट की कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है ना, पत्तियाँ भी नहीं चल रही हैं उसमें, ना फल फूल आ रहे हैं कुछ भी। तो मैंने कहा अभी राइट टाइम है कि कर दें, अभी विंटर में उसकी खूब अच्छी ग्रोथ हो जाएगी तो खूब फल मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मेरे मिर्च का पौधा है, देखिए इसमें ऐसी वाली छोटी वाली लाल मिर्च होती है, गुल वाली, वही बहुत बहुत खूबसूरत प्लांट है और ये एक साल डेढ़ साल पुराना प्लांट है। तो अब इसमें इसकी ना ओवर ग्रोन हो गई है इसकी रूट्स, तो इसका पॉट बदलने वाली, देखिए इसको ऐसे हटा के इसको ये आ गया इसका, ये देखिए रूट बॉल इसका कितना बड़ा बन रहा है ना। अब इसको धीरे धीरे इसको ऐसे झड़ा के और मैं आपको लगाने लायक करके बताती हूँ वापस। तो ये गमला भर लिया इसमें, वही है इसमें वेल ड्रेन सॉइल है ना, लेकिन इसमें जो तीनों चीज़ें एक बराबर हैं, लेकिन इसमें कंपोस्ट समझिए आप 35% कंपोस्ट है, 10% इसमें, 25% इसमें वो है रेत, और बाकी इसमें गार्डन सॉइल है, ठीक है। ये मिर्च का पौधा देखिए आप, इसकी जो एक्स्ट्रा रूट्स ग्रोथ हो रही थी वो निकाल दी हमने और अब इसको यहाँ लगा रहे हैं वापस, ठीक है। देखिए तो इसको मिट्टी भर देंगे, एक्चुअली इसकी रूट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि प्लांट की कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, ना उसमें कलियाँ आ रही थी और ना उसमें नई पत्तियाँ आ रही थी, अभी इसलिए इसका रिपॉटिंग बिल्कुल चाहता था ये प्लांट, तो ये इसका ज़रूरी है इस टाइम होना। अभी इसको ये लगा के पानी दे के दो तीन दिन इसे थोड़ी सेमी शीट में रखेंगे, उसके बाद इसे वापस तेज़ धूप में निकालेंगे। जितनी भी सब्जियां होती हैं सब धूप में लगती हैं तो, और शेड में कोई नहीं लगती, पालक को चाहिए होती थोड़ी सी, पत्ती वाली सब्जियों को चाहिए होती थोड़ी की थोड़ी कम धूप लगे उन्हें, बाकी सब सब्जियों को चाहिए। ये हो गया, अब मैं इसमें पानी डालती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो ये इसमें पानी डाल दिया, अभी इसकी रिपॉटिंग पूरी हो गई ना। अब ये तो इस कोने में तो धूप थोड़ी कम आती है, तो तीन चार दिन ये यहीं रखेंगे, इसके बाद इसे तेज धूप में निकालेंगे। ये देखिए गुलाब लगाए थे ना तीन चार दिन पहले, इसकी सारी रूट्स निकाल के मिट्टी पूरी चेंज करके, देखिए इसमें भी फुटाव होने लगा है। अभी और दिखाऊँगी ज़रा, इसमें कली आ जाएगी तभी दिखाऊँगी सब इसका अपडेट। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा मिर्ची का पूरा डिटेल्स। अभी आपको इसमें कोई शंका हो कुछ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे ही मैं ऐसे और भी वीडियो आपके लाती रहूँगी जिसमें आप घर में सब्ज़ियाँ कैसे उगा सकते हैं और उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं इसके बारे में होंगे। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।